नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। अगले एक घंटे तक आप इस बुलेटिन में देखेंगे हमारे साथ तमाम राज्यों की हर बड़ी और छोटी खबर, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण भारतीय राज्यों पर मंडरा रहा है समुद्री खतरा। जी हाँ, चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कोची में रिहायशी इलाकों में समुद्र का पानी घुस चुका है। तिरुवनंतपुरम से लेकर के कोची तक तौकते तूफान का खौफ साफ देखा जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और तटीय इलाकों में तौकते तूफान का तांडव केरल के तटीय इलाकों में खाली करा दिया गया है, उन इलाकों को जहां लोग रहते हैं इस तूफान के तांडव को देखते हुए। कोची के रिहायशी इलाकों में समुद्र का पानी घुस गया है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही है, वहीं कोची और केरल में देखिए तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है। और इसी खतरे को देखते हुए कई इलाकों को खाली कराया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है, NDRF की टीम को अलर्ट किया गया है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में अलर्ट जो है वो किया गया है। तो केरल से लेकर के गुजरात तक आफत ने दस्तक दे दी है। ये आफत समुद्र के रास्ते से भारत की तरफ अब बढ़ रही है। चक्रवात तौकते के चलते केरल से लेकर गुजरात तक हड़कंप मचा हुआ है। मायानगरी मुंबई में भी तौकते ताकत दिखाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना से जूझ रहे भारत पर अब प्रकृति ने भी हमला कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। अरब सागर से आ रही आफत माया नगरी पर टूटेगी मुसीबत। कोझिकोड से भरूस तक मचेगा हाहाकार। कहर बरपाने आ रहा चक्रवात तौकते। चेतावनी जारी हो चुकी है। समंदर की लहरें उफान पर हैं, तटों पर खड़े पेड़ उखड़ने लगे हैं और लहरें घरों तक पहुंचने लगी हैं। कोरोना से जूझ रहे हिंदुस्तान में अब चक्रवात आफत बनकर आ रहा है। तूफान तौकते की आहट से केरल से लेकर गुजरात तक हड़कंप मचा हुआ है। तुम्हें किनारा पर दावी जाओ। अरब सागर से चक्रवात हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा है। केरल में तो भारी बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। आफत लक्षद्वीप पर भी मंडरा रही है और चेतावनी गुजरात के लिए भी जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी आफत मंडरा रही है माया नगरी मुंबई पर। कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप के बाद मुंबई पर ही तौकते पूरी ताकत से हमला करेगा और माया नगरी को झकझोर देगा। तौकते तूफान के चलते केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कन्नूर और कासरगोड में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होने की आशंका जाहिर की गई है। तूफान से उठने वाली कई फीट ऊंची समुद्री लहरों से दूर रहने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर 16 मई तक जारी रह सकता है। लक्षद्वीप में 17 मई तक भारी बारिश होने की आशंका है। मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 17 मई तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है, जबकि गुजरात को चक्रवात 18 मई को झकझोर सकता है। तूफान की आहट के चलते प्रशासन अलर्ट हो गया है। राज्यों की टीमें मुस्तैद हो गई हैं और NDRF को भी अलर्ट कर दिया गया है। केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में NDRF की 24 टीमों को तौकते की ताकत से निपटने के काम में लगाया गया है और 29 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा एक बार फिर शर्मसार हुआ है। एक बार फिर हरियाणा में दरिंदगी की हदें पार की गई है। पलवल में एक युवती से 25 लोगों ने रेप किया और फिर युवती को दिल्ली बॉर्डर पर फेंक करके फरार हो गए हैं। 3 मई को हुई इस वारदात के बाद अब पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को पकड़ लिया गया।
फेसबुक पर दोस्ती से पहले सावधान। सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं शैतान। शादी के लिए बुलाया, फिर गैंगरेप कराया। पलवल से किया पीड़ित को किडनैप। रामगढ़ में 25 लोगों ने किया रेप। हरियाणा के पलवल में युवती की किस्मत हुई तार तार। 25 आरोपियों ने युवती से बारी बारी किया रेप। होटल से किया था युवती को किडनैप। हसनपुर के जंगलों में की गई पीड़िता से हैवानियत। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं घटना स्थल पर। आपको बता दे, ये वही जगह है जहां पर युवती के बयान के मुताबिक यहां पर ही युवती के साथ 25 लोगों द्वारा बर्बरता की गई। आपको बता दे, यही वो कमरा है, ये वो ट्यूबवेल का कमरा है जहां पर गैंगरेप को अंजाम दिया गया, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। इस चेहरे के पीछे छिपे दरिंदे ने पहले फेसबुक पर युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसे मिलने के लिए पलवल बुलाया। युवती पहुंची तो उसे कार में किडनैप कर लिया और फिर बारी बारी से अपने दोस्तों को बुलाकर युवती से गैंगरेप किया। युवती के बयान अनुसार, पीड़िता के बयान अनुसार, यही वो जगह है जहां पर सागर नामक व्यक्ति, जिसने फेसबुक पर दोस्ती की युवती के साथ और उसको लेकर वो यहाँ पहुँचा अपने परिवार के सदस्यों से मिलवाने के लिए, और अपने परिवार के सदस्यों की बजाय मिलवाया उसने अपने उन 24 दोस्तों से जिनके साथ मिलकर उसने ये घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। पीड़ित की हालत बिगड़ी तो आरोपियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। उसे अस्पताल ले जाने के बजाय दिल्ली लेकर आए और बदरपुर बॉर्डर के पास फेंक कर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित को जब होश आया तो 12 मई को केस दर्ज कराया गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाली युवती अपने परिजनों से अलग होकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास रहती है। इसी दौरान युवती की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए आरोपी से हुई और फिर आरोपियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जिस लड़के पर उसने आरोप लगाया था और कि वो उसको ले गया अपने साथ, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जिन लोगों के उसने नाम लिखाए हैं उसकी तफ्तीश की जा रही है। जो जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने 3 नामजद समेत 25 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्य आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश के जेल में मुख्तार अंसारी और अंशुल दीक्षित के बीच में जेल में खूनी झड़प हुई है। जेल के अंदर भारी सुरक्षा के बीच में जमकर गोलियां भी चली। सवाल यह है कि जेल के अंदर आखिर हथियार पहुंचा तो पहुंचा कैसे? क्या कोई पुलिस वाला इस साजिश में शामिल तो नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। मुख्तार का वार, जेल में गैंगवार। जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस पर सवाल। यूपी में जेल के बाहर पुलिस ठाए ठाए कर रही है तो अपराधी जेल के अंदर ठाए ठाए कर रहे हैं। यूपी का चित्रकूट जिला जेल ताबड़तोड़ गोलियों से उस समय टहल गया जब जेल में मुख्तार गैंग और अंशु दीक्षित का गैंग आपस में भिड़ गए। जेल में जमकर गोली चली, फायरिंग में पूरा जेल परिसर टहल गया। ताबड़तोड़ गोलीबारी की सूचना पर आनन-फानन में पूरे जिले की पुलिस जेल पहुंच गई, लेकिन पुलिस जब तक मोर्चा संभालती तब तक इस गैंगवार में 2 की गोली मारकर हत्या की जा चुकी थी। जेल के अंदर गैंगस्टर अंशु दीक्षित, मुख्तार गैंग के 2 शूटर कैदी मुकीम काला और मेजरुद्दीन को गोलियों से भून दिया। अंशु दीक्षित और कैदियों को अपना निशाना बनाता इससे पहले पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। दोनों हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार
उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उप अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने जेल में 6 कैदियों को बंदी बना लिया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। जेल में बंद चश्मदीदों के मुताबिक जेल में पानी को लेकर मुख्तार गैंग के शूटरों के साथ अंशु दीक्षित का झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में कई कैदी भी घायल हुए हैं। वो लोग पानी लगाए थे तो हम सब नंबर फोन किए कि वहाँ गए तो सब नंबर लेट पहुँचे। वो लोग मार पूछ भी करे 15-16 लोग। लेकिन जेल में फायरिंग हुई है तो सवाल तो उठेगा ही, आखिर जेल में हथियार कैसे पहुंचा? इस हत्याकांड के साजिश की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? क्या पुलिस और जेल के अधिकारी ने बाहर से जेल के अंदर हथियार लाने में मदद की? हमले के लिए झगड़ा एक मौका हो सकता है, लेकिन इसकी साजिश महीनों से की जा रही थी। इस घटना के बाद सीएम योगी ने ACS गृह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और पूरी घटना की जानकारी ली और जाँच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नकली किसानों के नाम पर नकली आंदोलन कर रहे गिद्धों की टोली अब बहन बेटियों पर बुरी नजर डाल रही है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक बेटी की अस्मत को गिद्धों की टोली ने लूट ली है, लेकिन राकेश टिकैत चुप है। पुलिस अब 50 नकली किसानों से पूछताछ की तैयारी में है। नकली किसानों की खुली पोल, आंदोलन के नाम पर महापाप। गिद्धों ने बनाया बेटी को शिकार, पिता को इंसाफ का इंतजार। आंदोलन के नाम पर अराजकता, किसानों के नाम पर नकली किसानों की गुंडागर्दी का सबसे घिनौना पहलू सामने आ चुका है, जिसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इन नकली किसानों के गैंग को देखकर आप अपनी बहन बेटियों को छिपाने लगेंगे, क्योंकि नकली किसानों के गिद्ध गैंग ने एक बेटी की अस्मत लूटी है। पहले उसके दिमाग में मोदी सरकार के खिलाफ जहर बोया, फिर नकली आंदोलन में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर पर बुलाया। इसके बाद गिद्धों ने खेला इंसानियत का नंगा नाच। बंगाल से आई बेटी के साथ गिद्धों ने गैंगरेप किया। हालत बिगड़ी तो उसे बहादुरगढ़ के शिवम अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वो बच नहीं सकी। पीड़िता की मौत के बाद नकली किसान और दुष्कर्मी समझे कि वो बच गए, लेकिन अब इन नकली किसानों पर पुलिस का सिकंजा कस चुका है। पुलिस को पीड़ित का मोबाइल मिल चुका है, जिसमें दफन आरोपियों के कई राज सामने आए हैं। पीड़िता ने गैंगरेप के बारे में नकली किसानों के ढोंगी नेताओं और किसान मोर्चा के कुछ सदस्यों को बताया था, लेकिन उन सभी ने उसे दबा दिया। पुलिस 2 अलग अलग जगहों पर 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने नकली किसानों के गैंग में शामिल 50 लोगों से पूछताछ की लिस्ट तैयार की है। आरोपी ने, दोनों आरोपी ने यही माना है कि इनको इस बात का पता था, उस लड़की ने इनको बता दिया था विक्टिम ने कि भाई उसके साथ गलत हरकत हुई है, और इनको भी इस चीज़ का पता था और पहले भी 18 तारीख से पहले पता लग गया था। उसके बाद उसका टेंट भी उसने शिफ्ट किया है और इसमें हम और भी पूछताछ कर रहे हैं। किसानों के नाम पे अपनी रोजी रोटी चलाने वाले राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और चिड़िनू को भी पीड़िता ने इस घिनौनी हरकत के बारे में बताया था, लेकिन इन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगा। शहर शहर घूमकर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले राकेश टिकैत के होठ सिल गए, इंसानियत मर गई, क्योंकि टिकैत को नकली आंदोलन के नाम पे सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। पीड़िता से गैंगरेप के करीब 15 दिन बाद जब टिकैत के होठ खुले तो उन्होंने इस घटना पर कुछ नहीं बोला। अब इनको और कुछ रहा नहीं पा के आंदोलन को ही बदनाम करो, ये तो 12वां वाक्य है इनका कि कोई न कोई माध्यम से आंदोलन को बदनाम करा जाए। ठीक है, क्या बंगाल में हो रहा है, दूसरे स्टेट में हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है, तो सब लोग यहां से ही गए। न चेहरे पर सिकन, न कोई पश्चाताप। एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी जान चली गई, लेकिन राकेश टिकैत अब भी गोलमोल बातें करने में जुटे हुए हैं। सवाल यह है कि आंदोलन में शामिल बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? क्या उन्हें भी ब्लैकमेल किया जाता है? क्या उन पर भी अवैध संबंध के लिए दबाव डाला जाता है? सवाल उठता है कि नकली किसानों के आंदोलन में शामिल बहन बेटियों पर कहीं गिद्धों की गैंग की नजर तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर ब्लैक फंगस के 296 मरीज का पता चला है। अहमदाबाद से खबर है, ब्लैक फंगस के 296 मरीजों का इलाज जो है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। म्यूकोर माइकोसिस के 296 मरीज भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, जो पुराना नॉन कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे 296 पेशेंट्स दाखिल है। वहाँ पे म्यूकोर माइकोसिस के लिए अलग वार्ड ओपन किए है हमने। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ आती है वो एम्फोटेरिसिन है और ओरल एंटीफंगल ड्रग्स आते हैं। वो हमारी जो जरूरत है उसके हिसाब से हमको सरकार की तरफ से प्रोक्योर करके डेली डोज दिया जाता है। हमारे यहाँ मैं सिविल की बात करूँ तो 296 पेशेंट दाखिल है, जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस ENT डिपार्टमेंट में एडमिट है। 60-70 जितने पेशेंट डेंटल मेडिकल कॉलेज में दाखिल है, जहाँ पे उनका डेंटल जो माइनर प्रॉब्लम होता है उसके लिए वहाँ पे दाखिल होते हैं। डेंटल में ये म्यूकोर माइकोसिस फंगस होता है, तो ये जो पेशेंट है वो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल में हमारे यहाँ एडमिट। कोरोना से जंग जीत रहे मरीजों पर अब नई आफत मंडरा रही है, ब्लैक फंगस ने मरीजों पर हमला करना शुरू कर दिया है। दिल्ली हो या मुंबई, यूपी हो या MP, हर जगह म्यूकोर माइकोसिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और समस्या ये है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन की भी कमी है। देश अभी कोरोना से जूझ ही रहा है, रोजाना लाखों नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कोरोना मरीजों के लिए एक और आफत सामने आ गई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों पर ब्लैक फंगस हमला कर रहा है और म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन के मामले देश भर में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक म्यूकर माइकोसिस के मामले देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। मुंबई में भी कई मामलों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी से लोग बेहाल हैं और म्यूकर माइकोसिस की दवा की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि जितनी दवाई की जरूरत है बाजार में उससे बेहद कम दवाई ही उपलब्ध है। दवा के लिए कच्चा माल भी जर्मनी से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए दवाई को बड़े पैमाने पर बना पाना भी मुमकिन नहीं। ये जो ब्लैक फंगस, उसके नाम में ये फंगल डिसीज है, इसको सिस्टमिक जो दवा लगती है जिसे लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी कहते हैं, इस किस्म की भी दवा अपनी कंपनी में बनती है और ये एक ब्रांड है। ऐसे कई बड़े कंपनियों, जो मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के ब्रांड्स यहाँ पर बनते हैं। यही एक नामी दवा है जो अभी ब्लैक फंगस के लिए काम आती है। लेकिन ये दवा मिलना मुनासिब नहीं है, काफ़ी बड़े इसकी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि ये दवा है पुरानी लेकिन इसकी पर्पजिंग इस बीमारी के लिए की गई है और इसका असर भी दिख रहा है कि ये दवाई काम करती है, कारगर है। इसके रॉ मटेरियल भी शायद यहाँ नहीं मिलते, रॉ मटेरियल भी आप कह रहे हैं कि करेक्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, जर्मनी से आते हैं इनके। ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस का खतरा उन मरीजों के लिए ज्यादा है जिन्हें कोरोना से ठीक होने के लिए स्टेरॉइड दिए गए थे, या फिर वो लोग जो शुगर के मरीज हैं और जिन्हें कोरोना हुआ था। दरअसल ब्लैक फंगस नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है, इसके बाद फेफड़ों से होते हुए दिमाग तक पहुंच जाता है। ब्लैक फंगस से नेजल ब्रिज काला नजर आने लगता है। फंगस के चलते मरीज बेहोश हो जाते हैं और फंगस को निकालने के लिए सर्जरी तक करनी पड़ती है। म्यूकर एक फंगस है, ये जहाँ पानी इकट्ठा होता है लगभग वेट सरफेस होता है वहाँ पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। एक बार ब्लैक फंगस दिमाग तक पहुंच गया तो इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है। मरीज की मौत हो सकती है या फिर उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। जहां जहां ये फूग है, फूग एक उधई की जैसे तिमक के जैसा है, जहां जहां होती है वहां पे हमें उसको काट के फेंक देते हैं, जैसे गैंग्रीन होता है उसको काट के फेंक देते हैं और फिर आगे ना बढ़े उसके लिए ये मेडिसिन देनी पड़ती है, ये जो एम्फोटेरिसिन बी। अब उसका भी तकलीफ ये है कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो नेफ्रोटैक्सिक, मतलब अपनी जो गुर्दा है, किडनी है, उसके ऊपर भी उसकी साइड इफेक्ट होती है और उसको चलते भी पेशेंट को तकलीफ होती है। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है और वो है सावधानी। नाक के आसपास काला पदार्थ दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर खाने पीने में परेशानी हो तो भी डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से खबर है जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मामले घटे हैं और बेड्स खाली हुए हैं, लेकिन ICU बेड्स की अभी कमी है दिल्ली में और जल्द ही 1200 ICU बेड्स का इंतजाम भी हो जाएगा दिल्ली में। ICU बेड्स को लेकर के केजरीवाल का बड़ा बयान, एक दो दिन में 1200 ICU बेड्स दिल्ली के लिए हम तैयार कर देंगे, तैयार हो रहे हैं और
कोरोना के मामले फिलहाल कम हुए हैं दिल्ली में। तो देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। किसी ने अपने पति को खोया तो किसी ने अपने बेटे को। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई करती रही लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थमा। अब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बड़ा खुलासा भी हुआ है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। ऑक्सीजन के लिए बोले तो बोल रहा है ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने में तकलीफ है, एकदम ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया। कोरोना की दूसरी लहर कई नेताओं के लिए आपदा में राजनीति का अवसर बनकर आई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ऑक्सीजन तो अब ये लड़ाई वैक्सीन पर आ गई है। दिल्ली में सरकार कोरोना के केसेस में कमी आने का आंकड़ा गिना रही है लेकिन अभी भी मौत के मामले में दिल्ली टॉप 10 डेंजर राज्यों में शामिल है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। पीएसयू की रिपोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए रोजाना सैकड़ों मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती थी लेकिन दिल्ली सरकार उसे स्टोर नहीं कर रही थी। एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा LMO और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के आरोप बेहद ही गंभीर है क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं केजरीवाल सरकार भी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई थी। बीजेपी ने केजरीवाल पर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर लोगों में डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पहले हाहाकार मचाओ, बिल्कुल परिस्थिति खराब थी दिल्ली में, मगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, केवल हाहाकार मचाया कि देखो मुझे मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाया जिसके कारण मरीजों की जान गई। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलकर हमारी मदद की, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 और बत्रा अस्पताल में एक साथ 13 मरीजों की जान चली गई थी, जिसके बाद केंद्र ने कोर्ट में दिल्ली में ऑक्सीजन की ऑडिट कराने की मांग की थी। रिपोर्ट जी मीडिया। और इन्हीं खबरों के साथ मेरा राज्य मेरा देश में आज फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी हिंदुस्तान पर खबरें लगातार जारी है।